हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब जरूर अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो बता रहा हूं क्योंकि आज आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू अपडेट आया है उन छात्रों के लिए जो छात्र 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम जो होने वाले थे 2021 में, तो उन लोगों के एग्जाम पर कुछ न्यू अपडेट आया है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो अपडेट मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको पता होगा कि आप लोग का इस साल काफी बर्बाद हुआ है क्योंकि इन साल में कई सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई स्थगित हो गई। बीच में ऑनलाइन क्लास को भी लिया गया, जिस ऑनलाइन क्लास के तहत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास पूरी हो पाई, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो उन छात्र के लिए कहीं ना कहीं भी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि इस साल पूरा बर्बाद गया है। तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाली थी यानी 2021 में 10th और 12th बोर्ड का, तो उस 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले थे, उस 10th और 12th बोर्ड पर कुछ न्यू अपडेट ऊपर से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ न्यू अपडेट आई है। तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, वो शिक्षा मंत्री के द्वारा ये हर स्टेट के गवर्नमेंट को ये दे दिया गया है कि आपकी मर्जी, आप जिस तरह लीजिए, या तो आप डायरेक्ट प्रमोट कर दीजिए और नहीं तो एग्ज़ाम आप लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का ये बताया जा रहा है, पूरे इंडिया में 60% ऐसे स्टेट्स के गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स के गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है, शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है, जिन्हें एग्जाम लिया जाए और उसके बाद हम सोचेंगे कि प्रमोट करें कि ना करें। तो सबसे पहली बात, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं है और पढ़ाई नहीं होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, आपको पता होगा, तो वो प्रॉब्लम को कैसे क्लियर किया जाए, आप समझ ही रहे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपडेट आई है ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा, क्या अपडेट आई है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो बने रहिए, और आप न्यू अपडेट चाहिए एग्जाम के बारे में, पूरे एग्जाम के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का पढ़ाई करना होगा, मान लीजिए कि आपके स्टेट्स अगर ये निर्णय लेते हैं कि नहीं एग्जाम लिया जाएगा, तो आपके पास जितने समय बचे हैं उस समय में किस तरह का तैयारी करना चाहते हैं, कैसा तैयारी करके आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, इसके लिए इस चैनल पे आकर के आपको वीडियो को देखना होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर जुड़ करके मेरा वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू अपडेट मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आपको बताता हूँ यहाँ बहुत सारा अपडेट आया है, क्योंकि हमारा स्टेट्स गवर्नमेंट जो भी निर्णय अभी तो लिया नहीं गया है, लेकिन डेट भी फिक्स कर दी गई थी, आपको पता होगा, लेकिन अभी उसको डेट को फिर हटाया गया है, ठीक है, डेट को हटाया गया है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या है कि न्यू अपडेट जो आई है उस पर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो क्या निर्णय लेती है, उसके बाद आप लोगों का एक बोर्ड एग्जाम लिया गया 10th और 12th का, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगी, आपको तैयारी किस तरीके करनी होगी, क्या होगी, तो न्यू अपडेट के बाद ही आपको कुछ ना कुछ करनी होगी, फिर भी आपको तैयारी तो करना ही है। ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाई बहुत स्टूडेंट्स का हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। इंडिया में लगभग 60% स्टूडेंट्स का ही सिर्फ पढ़ाई हो पाया, 40% का पढ़ाई नहीं हो पाया है। तो उन छात्रों को कहीं ना कहीं तो पूरा साल ही बर्बाद गया, क्योंकि एक तो जिसका ऑनलाइन क्लास हुआ उसका भी पढ़ाई पूरी तरह से अच्छा से नहीं हो पाया, लेकिन जिसका ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाई नहीं हुआ उसका तो पूरा गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ बात काफ़ी, तो आइए आपको हम दिखाते हैं वीडियो, जो मेरा वीडियो है उसमें आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या अपडेट आया है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। तो आइए वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज की सबसे बड़ी अपडेट में। 2021 बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को खुद से फैसला लेने की अनुमति दे दी है कि वो छात्रों को बोर्ड एग्जाम लेने के बाद ही प्रमोट करना चाहते हैं या बिना एग्जाम दिए छात्रों को पास करेंगे। तो इस पर राज्यों ने क्या कहा, बोर्ड एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, पूरी जानकारी व इन्फॉर्मेशन विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बोर्ड एग्जाम व स्कूल कॉलेज से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देश भर में बोर्ड परीक्षा को लेकर काफी असमंजस बनी हुई है, व लगातार शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई अपडेट जारी की जा रही है। अब शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को खुद से फैसला लेने को कह दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वो बोर्ड परीक्षा लेना चाहते हैं या नहीं, वो अपने अनुकूल ही फैसला ले सकते हैं। तो इस पर राज्य सरकारों ने ऑनलाइन के माध्यम से अपनी राय दी है, और देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल ने इस बार सभी अन्य छात्रों के साथ साथ सभी बोर्ड परीक्षा के छात्रों को बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में भेजने का फैसला ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जब स्कूल इतने दिन से बंद है और छात्रों की पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो पाई है, ऐसे में बोर्ड परीक्षा लेना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने छात्रों को बिना बोर्ड एग्जाम लिए ही प्रमोट करने का फैसला लिया है। वहीं बाकी बच्चे राज्यों की बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या राय है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देश के लगभग 60% राज्यों का यही कहना है कि इस बार सभी छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए, ऐसे गंभीर हालत में बोर्ड परीक्षा लेना उचित नहीं होगा। देश भर के 10 राज्य सबसे ज्यादा छात्रों को बिना एग्जाम दिए पास करने पर सहमति जता रहे हैं।
इसमें सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा। सिर्फ ये राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य राज्य भी छात्रों को बिना बोर्ड एग्जाम दिए प्रमोट करने पर विचार कर रही है। इन सभी राज्यों का कहना है कि स्कूल लगभग 8 महीने से बंद हैं। वह स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने छात्रों की ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगी थी। वह अभी भी देश भर में 40% छात्रों की ऑनलाइन क्लास नहीं लग रही है, जिस कारण हम ये विचार कर रहे हैं कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। वह हम इस पर अपना अंतिम फैसला जनवरी में जारी कर देंगे, ताकि छात्रों को कुछ हफ्ते पहले ही पता चल सके कि उनके बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन ये चाहता है कि इस बार बोर्ड परीक्षा ना हो और बिना बोर्ड एग्जाम के ही सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए? और दोस्तों, आप इस बात को भी समझें, जिनकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगी है वो किस प्रकार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे? वो शिक्षा मंत्रालय सभी छात्रों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।